क्वेश्चन है, टू वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, हाउएवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड वायर टू हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a, इफ द लेंथ ऑफ वायर वन इंक्रीज बाय डेल्टा एक्स ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर टू बाय द सेम अमाउंट। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें बताना है दो वायर्स दे रखे हैं जिनको खींचा जा रहा है, एक की लेंथ रियल दे रखी है, एक एरिया ए दे रखा है और यंग मॉडुलस गामा दे रखा है और एफ का फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसको भी इतना ही खींचा जाने पे कितना एफ का फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि एफ डैश हमें निकालना है। तो डेल्टा एल वन हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज एफ एल डिवाइड बाय में क्या होता है हमारे पास गामा ए, देन एफ इंटू एल कितना है 3l डिवाइड बाय में गामा इंटू ए कितना है हमारे पास ए। तो डेल्टा एल टू कितना हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एल टू हमारे पास एफ एल डिवाइड एफ डैश गामा ए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एफ डैश कि इसमें एफ डैश हमें फाइंड आउट करना है कि जिस जितना खींचने में इसको जितना फोर्स लगा उतना इसको इतना ही खींचने में इसको कितना फोर्स लगेगा। देन डेल्टा टू क्या हो जाएगा हमारे पास एफ डैश इंटू एल डिवाइड बाई में गामा इंटू थ्री ए, दैट इज द एफ डैश। तो दोनों क्या है सेम मटेरियल की है, तो एल डेल्टा एल वन टू इक्वल टू डेल्टा एल टू हो जाएगा हमारे पास। डेल्टा एल वन क्या है हमारे पास एफ इंटू थ्री एल डिवाइड बाई में गामा ए इक्वल टू एफ डैश इंटू एल डिवाइड बाई में गामा इंटू थ्री ए, गामा से गामा कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, ओके, और एल से एल क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया हमारे पास, दैट इज द थ्री एफ इक्वल टू एल बाय में थ्री, सॉरी एफ डैश डिवाइड बाय में थ्री। तो हमारे पास एफ डैश इक्वल टू क्या आ गया 9। तो दैट इज द क्वेश्चन, एफ डैश हमारे पास क्या आ गया 9।